नमस्ते प्रजाचारी बुड़ा, आपका स्वागत है। आज खड़े हैं दो ऐसी हैचबैक के सामने कि जिसमें मार्केट में अलग सा तहलका सा मचा रखा है। दोनों के दोनों ने भाई, एक तरफ है स्विफ्ट, दूसरी तरफ है अपनी सिलेरियो, क्योंकि दोनों एक है भाई टॉप मॉडल और एक है अपना मिड वेरिएंट। अब मिड वेरिएंट के अंदर भाई दोनों कंपेयर से बता रहा हूँ आपको क्या बताना होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में भाई अगर टॉप सिलेरियो की बात करूँ आपको स्मार्ट की के साथ में आ जाती, टॉप मॉडल के साथ में ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है और अपना ये मेरल वेरिएंट है। लेकिन अब प्राइस वाइज की बात करूँ भाई दोनों में कम से कम बता रहा हूँ 90,000 रुपये का अंदर दोनों गाड़ियों में ये आती है CNG पेट्रोल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, दिस इज CNG इन पेट्रोल। ये आती भाई 7,90,000 रुपये एक्स शोरूम, और ये वाली आती भाई 7,09,000 रुपये एक्स शोरूम। अब दोनों के दोनों कंपेयर बता रहा हूँ आपको भाई, दोनों गाड़ियों के अंदर भाई अलग सा तगड़ा सा मार्केट प्राइस बता रहा हूँ। ये जो गाड़ी है भाई पेट्रोल के अंदर देती अपनी 28 कंपनी क्लेम करती मारुति पेट्रोल के अंदर, इस पर भाई कंपनी क्लेम करती CNG के अंदर 30 से 32 का अट्ठाईस देते हैं और 30 से 31 अपनी दे देती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब दोनों गाड़ी कॉम्पिटिशन कहाँ हो जाता है भाई, ये भी 7,90,000 की है, ये अपनी 7,90,000 की है। अब 7,90,000 के हिसाब से इन गाड़ियों में दोनों में लेना कौन सा चाहिए कौन सा नहीं लेना वो आपको मेरे बताना चाहूँ। इसके अंदर भाई स्विफ्ट के अंदर आपको ऐसी चाबी मिल जाती है, वो आपको दिखा देता हूँ, ऐसी वाली चाबी स्विफ्ट के अंदर आपको ऐसी वाली चाबी मिल जाती है, और सिलेरियो के अंदर आपको ये वाली चाबी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब दोनों गाड़ियों में बताता हूँ भाई, जैसे ये वाली गाड़ी है इसमें तो आपको CNG मिलती है, लेकिन अगर इसकी बात करूँ आपको इंटर आपको ऐसा मिल जाता है स्विफ्ट के अंदर, और सिलेरियो की बात करूँ इसके अंदर अपने को सेंसर बटन के साथ में ऐसा इंटर मिल जाता है भाई। दोनों गाड़ियों में इसके अंदर स्मार्ट प्ले सिस्टम है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल के साथ में आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं आता बहुत सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोनों गाड़ी फीचर्स दिखवा दूँ आपको, फीचर्स कैसी क्या आते हैं इसमें अंदर, रियर वाइपर एंड डिफॉगर दोनों में आ जाता है, वाइपर डिफॉगर भी आ जाता है इसके अंदर भाई, दोबरा की धूल है हमारी, इसके अंदर डिफॉगर भी आ जाता है देख सकते हो, और इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं आता, ना डिफॉगर ना वाइपर कुछ नहीं आता। लेकिन अब कहानी कहाँ पलटती है, इसके अंदर भाई आपको मिल जाता है 910 लीटर का CNG एस्कैन फिट हुआ जाती है, इसके अंदर फिल्टर स्टेयरवेल आपको यहाँ मिल जाता है, ये इस पर मिल जाता है। लेकिन अब CNG के अंदर है ये अपनी आती पेट्रोल के अंदर CNG, ये भी आती, हालांकि ये भी अगला वेरियंट भी आती भाई नॉर्मल में, इसके अंदर मिल जाता है भाई 200 सिलेंडर बूस्ट स्पेस, और इसके अंदर भी आपको इतना ही मिलता है। लेकिन अगर CNG नहीं होगी तो आपको 200 सिलेंडर में मिल जाता है, ठीक है। चलो पार्सल ट्रे आपको VXI इसमें मिलती है और पार्सल ट्रे आपको उसमें मिलती है। अब टायर साइज की बात करूँ, टायर साइज आपको भाई इसके अंदर 14 इंची का मिलता है, इसके अंदर मिलते हैं 15 इंची का अलॉय व्हील के साथ में, व्हील कैप भी इसके अंदर लगेंगे जो रखे हुए, इसके अंदर 15 इंची अलॉय व्हील, इसके अंदर 14 इंच स्टील व्हील मिल जाते हैं इसके अंदर। CNG फ्यूल कैप आपको यहाँ मिल जाता है, ये है पेट्रोल टैंक आपको यहाँ मिल जाता है, इसका भी आपको यहाँ मिल जाता है। प्रेशर की बात करूँ, यहाँ से आप प्रेशर डोर खोल सकते हो यहाँ से, इसके अंदर भाई हेडरेस्ट नहीं आते, फिक्स आते हैं, रियर में फ्रंट में आपको एडजस्टर मिल जाते हैं, ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिल जाता है पूरा का पूरा, ये है। ये जो खड़ा हुआ है ना वेरिएंट, ये मेरल के वेरिएंट खड़ा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, ये मेरल वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये है। चलो डिलीवरी करवाते हैं दोनों गाड़ियों को, पहले डिलीवरी लिखवा देता हूँ आपको, इनकी डिलीवरी तैयार हो रही है ना, ये है दोनों डिलीवरी करवा देते हैं इनकी पहले, है ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, डिलीवरी करवा देते हैं। और बधाई अभिषेक भाई आपको, डिलीवरी करवाते रहिए आप, बिल्कुल सर, डिलीवरी हो चुकी है इसकी। और अब दिखा दो जैसे इसकी डिलीवरी वगैरह हो गई, इसके अंदर दिखाता हूँ, इसके अंदर इंटीरियर में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, दो दिखा दूँ आपको। देखो यहाँ पे नॉर्मल सारी चीज मिल रही है, इसका डिलीवरी भी आपको मिल जाएगा, दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको डिस्प्ले एरिया मिल जाते हैं, मैनुअल एसी इसके अंदर मिलती है, ऑटोमेटिक में आती है, लेकिन आपको ये इसका डिलीवरी भी आपको बाद में आएगा। लेकिन कंपेयर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1000 CC लेना चाहिए कि भाई 1200 CC अपने को लेना चाहिए। अब दोनों इंजन भी खोल के दिखा दूँगा आपको, इंजन भी के अंदर क्या क्या मिलता है, यहाँ से खोलते हैं इसका इंजन भी, और यहाँ से खोलते हैं इसका इंजन भी, यहाँ से खोलते हैं इसका इंजन भी, इसके अंदर भाई एडजस्ट टच बटन भी आ जाता है, CNG का सोचिए आपको यहाँ मिल जाएगा, 3 पैडल, अगर पेट्रोल मिलेगी तो मैनुअल में ऑटोमेटिक के अंदर भी अपनी आ जाती है, ये मैनुअल भी CNG लेकिन मैनुअल में ही आएगी, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS CVT टक्शन कंट्रोल इसके अंदर भी आपको मिल जाता है, CNG का सोचिए आपको एडजस्ट टक्शन कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, इसके अंदर एडजस्ट टच बटन इसके अंदर नहीं आता क्योंकि CNG में एडजस्ट टच बटन नहीं आता है। चलो इसका इंजन भी खोल के दिखाऊंगा आपको, हाँ भाई ये आता है इनलाइन 1 सिलेंडर K3 पेट्रोल इंजन,
अगर इसकी पावर रेटिंग बात करूँ ना भाई, ये करता है 67 BHP और टॉर्क की बात करूँ आपको 98 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा पेट्रोल के अंदर। CNG में तो आपको पता ही है कितनी करता है, यही है। चलो भाई इसमें दिखाता हूँ आपको, उसमें चलते चलता हूँ। ये इसका इंजन सेंटर ABS आपको यहाँ मिल जाती है, इसमें आपको यही मिल जाता अभी भी ABS CVT ट्रैक्शन कंट्रोल स्कीम सारी चीज़ें इसके अंदर आई जाती हैं। चलो मैं इसको हटाऊँ पहले, है ना, यहाँ रख देता हूँ। अब इसका इंजन भी खोल के दिखाऊँ आपको एक बार। ये इनलाइन फोर सिलेंडर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन के सीरीज का ही आता, डुअल जेड में इसके अंदर इंजन आता। लेकिन अगर पेट्रोल की बात करूँ पावर 88 BHP देती है और टॉर्क की बात करूँ आपको 160 Nm टॉर्क आपको जनरेट करती है। और CNG में आपको बात करूँ टॉर्क BHP कितना जनरेट, 74 BHP जनरेट करती है पेट्रोल के अंदर, CNG के अंदर। टॉर्क की बात करूँ 90 Nm टॉर्क आपको जनरेट करती है CNG के अंदर। ये भी सब आपको यहाँ मिल जाए, मतलब बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है भाई। CNG अंडर पावर है, माइलेज आपको 28 कंपनी दे देती है CNG के अंदर, पेट्रोल में आपको 23 का दे देती है। दो वाइपर से मिलने हैं। तो यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई स्विफ्ट के अंदर और 7,90,000 और या फिर 7,09,000 रुपये कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना, ये CNG में है और वो पेट्रोल के अंदर है। ऐसे नहीं, मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, आपको यही आपकी मैथ बताना चाह रहा था। और रियर से बात करूँ इसकी पीछे से, ठीक है, अगर पीछे से बात करूँ इसमें, पीछे इसमें फिक्स एड्रेस आते हैं, इसमें चारों फिक्स एड्रेस आते ही आते हैं, ये है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। थैंक यू सो मच, प्लीज सेफ ड्राइव, हैव अ नाइस डे।